हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पे आप अभी नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो भी फ्री में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। तो आज मैं आपके लिए, देखिए आपके किचन में बहुत काम की चीज़ है, तो मैं आज एक नए तरीके की तुराई की सब्ज़ी आपको बनाना बताऊंगी। कि तुराई की सब्ज़ी देखिए आप, और तुराई किस तरीके से हमें ख़रीदनी चाहिए ये भी आप जानिए। तो हमें तुराई ख़रीदनी चाहिए, एकदम ताज़ी तुराई होनी चाहिए, इस तरीके की आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं वैसी होनी चाहिए। और हमें एकदम ताज़ी होनी चाहिए, और हमें पतली तुरई चाहिए होती है और ग्रीन चाहिए होती है ना, और सीधी सीधी तुरई होनी चाहिए, है ना। चलिए, ये तो हुई अब तुरई के बारे में जान लिया, इस तरीके की आप खरीदिए, है ना, ताज़ी एकदम नए तरीके की सब्ज़ी मैं बनाना बता रही हूँ, एकदम दम आलू स्टाइल सब्ज़ी तुरई की। और तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, अब हमें छीलना होगा इसे। तो आप किसनी से नहीं, तो आप चाकू से भी छील सकते हैं तुराई को, है ना, ध्यान ये। और इस तरीके से हमें क्या करना होगा, हमें ये हमने छील ली, छीलने के बाद हमने ये चीरा लगा लिया है, आप देख रहे हैं चीरा इसमें लगा हुआ, हमने इतने इतने ये पीस काट लिए हैं और फिर चीरा लगाया है हमने चाकू से। तो इस तरीके से आप भी लगाइए। और फिर अब हमें क्या करना है, अब मसाला हमें करना होगा। तो अब हमें पेस्ट बनाना है सब्ज़ी के लिए। तो अब हमने एक लाल बड़ा टमाटर लिया है, और लहसुन छील कर लिए हैं दो तीन कलियाँ, और थोड़े से एक चम्मच दाने लिए हैं ताकि टेस्ट थोड़ा फ्लेवर अच्छे से, मतलब एक नया फ्लेवर आएगा, तो इसलिए हमने थोड़े से दाने लिए हैं। और थोड़ा पानी डालकर हमें पीसना है मिक्सी में, अच्छे से बारीक सा पेस्ट बनाना है हमें, ये देखिए। और अब क्या करना होगा, ये पेस्ट बन गया, और अब हमें है ना नमक डालना है स्वाद अनुसार, मिर्ची लाल पीसी हुई मिर्ची डालनी है हमें, आपके हिसाब से डाल सकते, तीखा जैसा आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कम चरका या ज़्यादा चरका, तो आपके हिसाब से कर सकते हैं। ये हमें लाल पीसी हुई मिर्ची चाहिए होती है, और हरा पिसा हुआ धनिया पाउडर, नमक, हल्दी थोड़ी सी। और अब देखिए, अब ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब उसके बाद हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, अब हमने एक बारीक प्याज काटा है, और उसे हमें तेल, कढ़ाई में तेल डालकर हमें प्याज को भुनना है, ये देखिए गरम हो गया तेल, अब प्याज भुनेंगे, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, अब ये जो पेस्ट बनाया ना हमने, सारे मसाले वगैरह उसमें डाले हैं पेस्ट में, तो वो सारी चीज़ें सब इसमें डाल देना है हमें। ये प्याज भुन गया है, अब सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए। और जार को थोड़ा सा धो के, पानी थोड़ा सा पानी से धो के, और वो मसाले में डाल देंगे, तो मसाला भुनने के लिए, ये देखिए ये मसाला भुन रहे हैं, अच्छे से चलाते हुए हमें मसाले को भुनना है, और धीमी आंच पर ही करना है, ये देखिए। अब क्या, ये मसाला भुन गया, देखिए कितना बढ़िया सी खुशबू आ रही है, और कितना मस्त मसाला हो गया है ये, कि देखते ही जी ललचा रहा है ना, मन हो रहा है ना कि देखते ही कि कब सब्जी बने और कब हम खाएं, इतनी बढ़िया लगती है तुराई की सब्ज़ी की आप क्या। तो अब मसाला भुनाई गया है, और अब हमें ये जो कटी हुई तुराई है हमारी, चीरे लगी हुई तुराई, ये इसमें डाल देंगे हम मसाले में, और अच्छे से हमें मिलाना है। तो इस तरीके से हमें मिलाना है, देखिए। और फिर से मैं बोल रही कि ध्यान रखिए कि हमें धीमी आँच पर ही पकाना है ये। और अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, क्योंकि हमें पकाना है ना, इसलिए थोड़ा पानी ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये देखिए ये पानी डाल दिया हमने,
और अब ढक दिया हमने, तो ये ढक के पकाएंगे हम, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी मतलब सब्जी तुरई पक जाए, तो इसलिए हमें ढकना ज़रूरी है। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो आपके हिसाब से थोड़ी सी ग्रेवी बना सकते हैं, है ना, इस तरीके से। ये देखिए, और ये हो गई है। अब देखिए कितनी अच्छे से मतलब वो हो गई कि हाथों की फिंगर से ये चिपला हो रही है ना, तो समझिए कि मतलब बहुत अच्छे से पक गई है, गल गई है ना। हमें इस तरीके से ही पकानी रहती है ना, ताकि कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहे। ये देखिए, अब ये सब्जी हमारी हो गई है तैयार, है ना। तो आप इसे खाइए, इंजॉय करिए, सब्जी से, पराठे से, सबसे खाइए आप, इंजॉय करिए। और बिल्कुल ये आलू स्टाइल तुरई, दम आलू स्टाइल तुरई है बनाई है ये, तो आपको बहुत पसंद आएगी। आप खाइए, इंजॉय करिए। सॉरी।